ही जीवन है, ये तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। आइए इस हेल्थ बाइट में जानते हैं जल के बारे में, यानी कि वाटर इनटेक या पानी के बारे में। हमारा बॉडी 60% पानी से बना हुआ है। इसके कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें पानी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ले लीजिए, रेस्पिरेशन ले लीजिए, हर चीज़ में पानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ही। हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। तो क्या हमें दिन भर पानी ही पीते रहना चाहिए? नहीं, पानी की रिक्वायर्ड मात्रा ही लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं और इसके बारे में पैरानॉइड होने की भी ज़रूरत नहीं। प्यास लगने से थोड़ा सा पहले पानी पिए, 15-20 मिनट में एक सिप पानी ज़रूर पिए, इससे आप एनर्जाइज्ड भी फील करेंगे। कई बारी हमें हेडेक्स होने लगते हैं, त्वचा ड्राई फील होने लगती है, इस सब का इलाज है एक सिप ऑफ वाटर। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। और वो कैसे, आइए जानते हैं। सिंपल प्रोसीजर, आप अपने स्किन को देखिए। जब आप देखते हैं कि वो ड्राई होने लगती है तो वो सिकुड़ जाती है, और जैसे ही आप पानी पीने लगते हैं आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं। ये बात शायद हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी प्लांट्स की तरह ही है। अगर आप प्लांट्स को पानी देते हैं, उनके रंग ढंग हाव भाव में भी बहुत फर्क आने लगता है। आजकल लाइफ इतनी बिजी और स्ट्रेसफुल हो गई है कि हम बात ही नहीं कर सकते इसकी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्ट्रेस को हटाने का एक आसान सा नुस्खा है पानी पीना। एक और प्रॉब्लम हम ऑफन देखते हैं, वो है वेट गेन की और ओबेसिटी की। इसमें भी वाटर यानी पानी बहुत ही लाभदायक होता है। कई बारी जब हमें प्यास लगती है तो हम सोचते हैं कि हमें भूख लग रही है, इसलिए जब भी आपको भूख लगे तो पहले एक ग्लास पानी ज़रूर पी लें। आई एम श्योर इससे आपकी आधी भूख वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कई बारी एक्चुअली वो प्यास का इंडिकेशन होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पानी हम कब पिए और कितना पिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बारी बॉडी सोचती है कि हम भूखे हैं, लेकिन असलियत में वो प्यास होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप खाना खा रहे हों, उसके बीच में, खाने के निवालों के बीच में पानी ना पिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस ठीक तरह से नहीं निकल पाते और न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए खाने के पहले पानी पीना हो तो ज़रूर पिए, खाने के बाद अराउंड 10-15 मिनट्स का ब्रेक दें और फिर पानी पिए। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, पानी पीने का मन ही नहीं करता। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि आप पानी किन किन तरहों से पी सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, ग्रीन टी ले लीजिए अगर आपको सिंपल पानी पीने का मन नहीं कर रहा तब, या फिर आप किसी भी दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं जैसे कि वेजिटेबल जूस। इसमें शुगर की मात्रा कम होती है और न्यूट्रिशन ढेर सारा होता है। कोशिश करें कि जब आप पानी लें तो इनमें कम कैलोरीज हो, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स अ बिग नो नो। 8 से 12 ग्लासेस पानी के और पाइए एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मेरी तरह। मैं तो अपना पानी इनटेक एकदम नियमित रूप से करती हूँ, आप भी इसे अपना रूटीन बना लीजिए। For more videos, subscribe to our channel FitVit.